चुका है, आपे और चटनी सब ने भर पेट खा लिया है। और उसके बाद में मैंने सारी किचन भी क्लीन कर दिए, सारे बर्तन मार लिए, क्योंकि ऐसा नाश्ता जब बनता है ना, आपे वगैरह इडली डोसा ऐसा कुछ भी नाश्ता बनाते हैं ना, बहुत ढेरों सारे बर्तन हो जाते हैं, इसीलिए मैंने साथ ही साथ में सारे बर्तन मार लिए हैं। अभी कपड़े धोने बाकी है। और मैं ना दोपहर में चने दाल, जो चना दाल होती है ना, उसका साग बनाना चाहती हूँ पतला सा, तो उसे पकने में थोड़ी सी देर लग जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चना दाल पकने के लिए रख देती हूँ, फिर बाद में जाती हूँ कपड़े धोने, ताकि साथ ही साथ सारे काम हो जाएंगे और थोड़ा सा आराम करने के लिए हमें टाइम भी मिल जाएगा ऐसे करने से, क्योंकि हमें ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, सब घर में रहते हैं, इस वक्त सब घर में रहते हैं, बच्चे कहो उनके पापा कहो सब घर में है, तो हमें डबल ड्यूटी लगी हुई है, तो फटाफट से सारे काम निपटा कर थोड़ी देर किसी तरह से भी टाइम निकाल कर आराम करना बहुत ज़रूरी है सब, तो इसलिए मैं साथ ही साथ सारे काम कर लेती हूँ, यहाँ पर पकने के लिए दाल रख देती हूँ, फिर कपड़े धोने जाती हूँ। यहाँ पर मैंने चना दाल ले ली है, तो एक कटोरी भर के चना दाल ले लूँगी, बस दोपहर के खाने में बनाना है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, रात में और दूसरी सब्जी बनाऊँगी। तो एक कटोरी भर के चना दाल ले ली है, पहले इस दाल को मैं धुल लूंगी, तो इस तरह से दाल को मैंने धुल लिया अच्छी तरह से। अब इसमें इसके अंदर डालेंगे पानी, और जैसे अरहर की दाल जल्दी से पक जाती है ना, दो सीटियों में अरहर की दाल पक जाती है, और इसमें तीन सीटियाँ लगानी पड़ती है तब जाके ये दाल पक। चना दाल पकने के लिए रख दिया, इसे पकने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि अरहर की दाल दो सीटियों में पक जाती है और इसे तीन सीटियाँ लगानी पड़ती है तब जाकर पकती है, तब तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे, तो चलती हूँ मैं कपड़े धोने। कपड़े धोकर आ चुकी हूँ मैं, और आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो थोड़े से जल्दी हो गए हैं, और धीमी गैस पर मैंने दाल रख दी थी, तो दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, तब तक मेरे कपड़े भी हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुकर में की हवा निकाल रही हूँ मैं, तो इसकी सारी हवा निकाल दी है मैंने, तब जाके इसका ढक्कन निकला है, तो अब मैं चेक कर रही हूँ ये दाल पकी है नहीं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से दाल पक चुकी है। तो थोड़ी सी मेथी थी मेरे पास, बिल्कुल चार पत्ते थे, तो इसके अंदर डाल दिए, उतने चार पत्तों का ही क्या करते, तो इसी के अंदर डाल दिया है, इसका थोड़ा सा अलग टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर हरी मिर्च मैंने भून कर कूट ली है, और लहसुन छील लिया है, और ताज़े कड़ी पत्ते हैं, बस इतना ही डालूंगी, ज़्यादा सब्जी में और कुछ नहीं डालूंगी, बस सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊंगी, सिंपल तरीके से सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, कभी कभी हमें ना सिंपल चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से हमें नुकसान भी होता है, तो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादातर सिंपल सी चीज़ें हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और स्वाद अनुसार नमक हल्दी पाउडर डाल के इसे मिला दे रही हूँ अच्छी तरह से, इस तरह से मिलाकर फिर बाद में हम इसे तड़का लगाएंगे। और ये दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, आप कभी बनाकर देख लेना। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी रख दिया है, ठंडा पानी डालने से सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, तो गर्म पानी ही डालना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया है, तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब रख देंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर डालेंगे दो चम्मच ऑयल। अगर कभी आपके पास कोई सब्जी ना रहे घर में, तब ये दाल बनाने में बहुत अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी भी लगती है, और बनाना भी आसान है। ऑयल गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच राई, राई चटकने लगी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और मसालेदानी में का सब कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे जीरा, राई, हल्दी पाउडर सब ख़त्म हो गया है, निकालना है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी डाला है। हींग डालने से इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा और हींग अच्छा रहता है, खाना चाहिए हमें, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है इससे। पहले मैंने कड़ी पत्ते डाले, फिर बाद में लहसुन डाला है। लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब इसके अंदर डालेंगे हमें पकी हुई चना दाल। और इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी गर्म पानी इस कुकर में डालकर कुकर अच्छी तरह से धुल लेंगे और जितना हमें पतला चाहिए उतना हम पतली सब्जी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है, तो हमारी पतली सी सब्जी तैयार है। कितना आसान है ना बनाना, खाने में भी उतनी टेस्टी होती है और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं हमने, तो एकदम अच्छी है ये सब्जी। जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई मसाले नहीं है, ना हरा धनिया है, बस लहसुन का तड़का लगा है इसमें। अब दो बाद में डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर, आपका मन हो तो डालें नहीं तो ना डालें, ऐसे ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब इसे थोड़ी देर पका लेंगे, बस 5 सेकेंड के लिए। ज़्यादा पकाएंगे तो ये सब्जी थिक हो जाएगी, तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। तो सब्जी तैयार है, मैं यहाँ पर चावल भी रख दिए हैं, अब यहाँ पर ज्वार की रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। इस सब्जी के साथ ना ज्वार की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो सब्जी मैंने उतार कर रख दी है, चावल तो पक रहे इधर। अब यहाँ पर ये तवा रख दिया है गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। अब फटाफट से ज्वार की रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ बनकर रेडी है, अब रोटी और सब्जी खा लेंगे। अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।